अभी तक हमने कोई भी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, ना हमने कोई प्रीपोल अलायंस किया है। हाँ, अगर हमें बाद में जो है अच्छी सीटें मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 10-15 सीटें मिल जाती हैं, जो भी सीटें मिलती है वो हम उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अभी हम किसी के साथ जो है वो गठजोड़ नहीं किया हमने, और कम से कम बीजेपी के साथ हमारा कोई भी जो है गठजोड़ नहीं होगा, ये हम वाजिया करना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस हमारा नहीं होगा। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम जारी है, और इस सिलसिले में त्राल हल्के इंतखाब के पीडीपी उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने अपनी रिहायशगाह से हाजन तक रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने रास्ते में मुतादिद मकामात पर आवाम से खिताब किया। उन्होंने बताया कि त्राल में आज तक ना ही तिब्बी शोबे की अबतरी को ठीक किया गया और ना ही इलाके के टूरिज्म की तरफ तवज्जो दी गई। हॉर्टिकल्चर का बड़ा मसला है, देखिए लोग सेब उगाते हैं, फिर उनको मंडी तक ले जाने में उनको बहुत तकलीफ होती है। इस वक्त सितंबर का महीना चल रहा है, हमारा फ्रूट तैयार है, बाहर की मंडियों में जा रहा है। मैं चाहूँगा और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जो इसके साथ रिलेटेड एजेंसीज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक उनको सेफ और थ्रू पैसेज दीजिए, ईजी पैसेज दीजिए हमारे फ्रूट को, ताकि वो मुल्क की बाकी मंडियों में जाके अच्छे दाम वसूल करें। दूसरा, इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा चेंज करें, क्योंकि शिकायत आती है हर जो सेब उगाने वाला बंदा है कि हमें अब दवाई के भी पैसे नहीं मिलते हैं। ये देखे सरकार की जिम्मेदारी है, ये देखे अगर इनका दाम क्यों अच्छा नहीं आता है। बाहर से ये सेब लाते हैं, अखरोट, जबकि हमारे कश्मीर में अखरोट भी अच्छा है, सेब भी अच्छा है, तो क्यों लाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है उनको? ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ तो नहीं करे। ये मसला भी है, इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब मैं असेंबली में जाऊंगा मैं ये मसला जरूर उठाऊंगा। बेरोजगारी का मसला है, तीसरा यहाँ रोड नेटवर्क का, मैंने कल भी देखा कहीं जगह सड़कें बनी है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन कहीं जगह अधूरी छोड़ी। हॉस्पिटल्स बने हैं, सतूरा में हॉस्पिटल बने हैं, तैयार है, ढांचा तैयार है, लेकिन जो अस्पताल की मजबूरी है, डॉक्टर्स, उसका पैरामेडिकल स्टाफ, वो बिल्कुल नहीं है। एक गाल खाली बिल्डिंग से क्या हो जाएगा? तार में बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा है, ना कोई टेस्ट की फैसिलिटी, ना डॉक्टर है, मामूली पेशेंट जाता है, डॉक्टर रेफर कर दो जिससे।